दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए तीन आतंकी ख्वाजा मोइनुद्दीन, अब्दुल समद और सैयद अली नवास को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आतंकियों पर तमिलनाडु के नेता केपी सुरेश की हत्या में शामिल रहने का भी आरोप है। उस मामले में जमानत मिलने के बाद से ही ये फरार चल रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकी दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली के वजीराबाद के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और एक मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये लोग नेपाल में रहे और नेपाल से उसके बाद ये दिल्ली में आ गए थे और इनको एनसीआर में या यूपी में कहीं कोई टेरर स्ट्राइक का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए इन्हें फॉरेन बेस्ड हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस मिलने थे। शुरुआती जांच से अभी ये पता चला है कि ये आईएसआईएस इंस्पायर्ड मॉड्यूल है। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों के कब्जे से 9 एमएम की तीन पिस्टल भी बरामद की हैं।